लास्ट के वीडियो तक हम लोग देख रहे थे हार्ट ऑफ फ्रॉग का देख रहे थे। इसमें हमने बात की थी पोजीशन की, पेरिकार्डियम हृदय आवरण की बात कर ली, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की और इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने आलिंद देख लिया था, उसके बाद में हमने निलय देख लिया था, फिर हमने बात की थी जो ऊपरी रचना पाई जाती है। ऊपरी रचना पाई जाती है इसे हम लोग धमनी शंकु कॉन्स आर्टरीज कहते हैं, ये पाई जाती है, इसको देखना है। ठीक है, इसको देखना था। अब ये ऊपर की ओर क्या होगा, धमनी शंकु दो भागों में विभक्त पाया जाएगा, डिवाइडेड पाया जाएगा। ये जो दो भाग होंगे, ये जो दो भागे के, इन्हें हम लोग बोलते हैं अग्र धमनी कांड। ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रंकस आर्टिगोरिस। ट्रंकस आर्टिगोरिस से क्या होता है, जुड़ा हुआ या विभक्त पाया जाता है। ठीक है, और ये आगे चलकर दो महाधमनी चापों में, जैसे हम लोग बोलते हैं एरोटिक ट्रंक्स बोल सकते हैं, एरोटिक आर्चेस बोल सकते हैं, इसमें डिवाइडेड होता जाएगा। यहाँ पे भी हो गया एरोटिक आर्चेस में, एरोटिक आर्चेस में डिवाइडेड पाया जा रहा है। ठीक है ना, धमनी शंकु की यदि बात की जाए तो यहाँ पे पाए जाएंगे सिमिलर वॉल्स पाए जाते हैं, और यदि यहाँ पे बात की जाए, ये जो कौन आर्टिक आर्थिस होती है यहाँ पे पाए जाते हैं, इसमें स्पायरल वॉल्स पाए जाते हैं, सर्पिल कपाट पाए जाते हैं, सर्पिल कपाट पाए जाएंगे। ठीक है ना, तो एक बार इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। इसे कंटिन्यू करते हुए लिखा जाए तो धमनी शंकु सामने की ओर धमनी शंकु सामने की ओर धमनी कांड धमनी कांड ट्रंकस आर्टियोरिस में जुड़ा रहता है, अग्र धमनी कांड आगे चलकर अग्र धमनी कांड आगे चलकर अग्र धमनी कांड आगे चलकर दो समान व्यास व्यास होता है डायमीटर। जब हमने एरोटिक आर्चेस देखी है, एरोटिक ट्रंक देखा है, इनका व्यास क्या होगा, समान होगा डायमीटर। दो समान व्यास की वाहिकाओं में विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है इन्हें महाधमनी चापे, इन्हें महाधमनी चापे एरोटिक ट्रंक्स, या बोल सकते हैं एरोटिक आर्चेस कहा जाता है। ठीक है ना, एरोटिक आर्चेस कहा जाता है। अभी हमने बात की स्पायरल वॉल्व की बात की है, जो कि आगे की तरफ आ जाए धमनी शंकु की गुहा, शंकु की गुहा, गुहा होती है कैविटी, एक पेशी है, एक पेशी है तथा पर्दे द्वारा,
पर्दा होता है, पार्ट कर सकते हैं कटिंग की जगह, पर्दे द्वारा दो भागों में विभक्त होती है, विभक्त होती है। यह है एक पेशीय पर्दा, मस्कुलर पार्ट, पेशीय पर्दा होता है। यह एक पेशीय पर्दा होता है जिसे जिसे सर्पिल का पार्ट जिसे सर्पिल का पार्ट स्पायरल बॉल कहते हैं। फिर आते हैं बच्चे, ये हो जाता है आपका धमनी शंकु वाला पार्ट जो होता है पूरा हो जाता है। फिर आती है बात कार्य प्रणाली की, वर्किंग प्रोसेस की। कार्य प्रणाली वर्किंग की बात आती है, ठीक है ना। तो हृदय क्या होता है, किसी भी जीव का लगातार लगातार स्पंदन बीटिंग का काम करता है, और ये सारा काम होता है न्यूरल कंट्रोल में, तंत्र की या नियंत्रण में सारा काम होता है, ठीक है ना। संकुचन में सिस्टोलिक क्रिया भी होती है जिसे हम लोग संकुचन कहते हैं, ठीक है ना, और अनुशीतलन भी क्रिया होती है जिसे हम लोग डायस्टोल पर कहते हैं। दो दोनों का मतलब हृदय सिकुड़ता भी और फैलता भी है, सिकुड़ता भी और फैलता, इसी को हम लोग स्पंदन या बीटिंग कहते हैं, ठीक है। और ये सारा का सारा प्रोसेस होता है एक पैरेलल फॉर्म में होता है, एक समानांतर क्रम में होता है। पहले संकुचन होगा, फिर शीतलन होगा, मतलब पहले सिस्टोल होगा, फिर डायस्टोलिक क्रिया होगी, ठीक है। तो सिराकोटर में क्या आएगा, जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ट्रायंगुलर शेप में पाया जाता है, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, ब्लड आएगा, और इसके बाद रक्त आलिंद में, आलिंद से निलय में, और अंत में धमनी कांड से कौन्स आर्टरीज से हो, कौन्स आर्टरीज में संकुचन की क्रिया पाई जाएगी। पहले एक बार इसको इतना हम लोग देख लेते हैं। हृदय में तंत्रिकीय नियंत्रण में, न्यूरल कंट्रोल, तंत्रिकीय नियंत्रण तंत्र के नियंत्रण में लगातार लगातार स्पंदन की क्रिया पाई जाती है। लगातार स्पंदन की क्रिया बीटिंग, स्पंदन की क्रिया पाई जाती है। हृदय संकुचन जिसे हम लोग बोलते हैं सिस्टोल, तथा हृदय अनुशीतलन जिसे हम लोग डायस्टोल प्रोसेस कहते हैं, डायस्टोल की क्रिया पाई जाती है, डायस्टोल की क्रिया पाई जाती है। और ये सारी क्रियाएं होती है एक संकुचन के क्रम में पाई होती है। संकुचन की क्रिया एक क्रम में संपन्न होती है, संकुचन की क्रिया एक क्रम में संपन्न होती है। सबसे पहले सर्वप्रथम रक्त, ये कह सकते हैं सर्वप्रथम शिराकोटर साइनस विनोसस, आलिंद, ऑरिकल, निलय, तथा अंत में धमनी शंकु, कौन
आर्टिरस में स्पंदन की क्रिया होती है, ठीक है ना, स्पंदन की क्रिया होती है, ठीक है। इस रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए इसमें पाए जाते हैं बहुत सारे वॉल्व्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे वॉल्व्स पाए जाते हैं। तो रक्त सर्वप्रथम, रक्त सर्वप्रथम शिराकोटर कौन सा आर्टियोरस, कौन सा आर्टियोरस में आता है जिससे जिससे शिराकोटर संकुचन करता है, संकुचन जिससे शिराकोचर संकुचन करता है तथा संकुचन के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दाएं आलिंद में, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में डाला जाता है, राइट ऑरिकल में डाला जाता है। यह है इसी समय फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाएं आलिंद, लेफ्ट ऑरिकल, बाएं आलिंद में आता है। यह है फुफ्फुस शिरा पल्मोनरी वेन, वेन द्वारा पल्मोनरी वेन द्वारा लाया जाता है। इसके बाद दोनों आलिंदों में संकुचन की क्रिया होती है, दोनों आलिंदों में संकुचन की क्रिया होती है जिससे रक्त आलिंद निलय में प्रवेश आलिंद निलय छिद्र द्वारा निलय में प्रवेश कर जाता है निलय में प्रवेश करता है। इसके पश्चात निलय में संकुचन होता है तथा रक्त धमनी शंकु कौन आर्टिकुलस में पंप किया जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले
इसके पश्चात कहाँ होगा? निलय में संकुचन के पश्चात रक्त कहाँ आ जाएगा? धमनी शंकु में पाया जाएगा। तो हमने एक प्रोसेस पढ़ा है, सबसे पहले स्पंदन की यदि बीटिंग फ्लो चार्ट, तो सबसे पहले किसमें होता है? साइनस विनोसस, उसके बाद में आएगा राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से ये आ जाएगा वेंट्रिकल्स में आ जाएगा कॉन्स आर्टियोरस में, और यहाँ से बॉडी में इसकी क्या हो जाएगी? सप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। इन दोनों का बीटिंग एक साथ होती है, बीटिंग सिमिलर। हमने यहाँ पर ब्लड का फ्लो चार्ट बनाया, ब्लड सबसे पहले धमनी शंक सॉरी चिराकोटर में, उसके बाद में उसी समय ये कह सकते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्स ऑक्सीजन या अशुद्ध रक्त होता है राइट ऑरिकल में, और शुद्ध रक्त लेफ्ट ऑरिकल में आता है, लेफ्ट ऑरिकल में आता है, ठीक है ना। फिर उसके पश्चात में बीटिंग होगी, बीटिंग से वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा, वेंट्रिकल से धमनी शंकु में, निलय से धमनी शंकु में, धमनी शंकु से पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। तो आपका ये यहाँ पे क्या हो जाता है? हार्ट ऑफ फ्रॉग कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हार्ट ऑफ वेरनस। थैंक यू।